हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3DS में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ टेराइन इन 3DS मैक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेराइन का जो मैप है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है गूगल से। कुछ इस तरीके के शेप से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको हमने डाउनलोड कर लिया है और मैक्स में हम जाएंगे सबसे पहले, और मैक्स में हम यूनिट सेटअप कर लेते हैं सबसे पहले। कोई भी आप यूनिट ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगती है। मैं इंच में ले लेता हूँ, ठीक है। इसको इंच में हमने कर लिया, और एक रेक्टेंगल हम सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम कर देंगे स्प्लाइन में कन्वर्ट, और इसमें हम एक्सट्रूड डाल देंगे। देन वी गो टू मैप, और मटीरियल में हम अप्लाई करते वीरे मटीरियल में कन्वर्ट करते हैं इसको, और इसको सिंपली इसके डिफ्यूज़ के मैप में हम वो इमेज बिट मैप जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो हमने डाउनलोड करी है ये वाली। इसको हमने अप्लाई कर दिया। UVW मैपिंग हम इसमें डाल देते, और यहाँ से हम इसको देखते हैं। F3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। ये हमारा, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम इसको हाइट दे देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम एक्यूरेट नहीं बना रहे क्योंकि अभी हमें आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये इसको एक प्लेन पे, ठीक है, अब चाहे तो प्लेन लगा दे, रेक्टेंगल लेके एक्सट्रूड कर दे, कुछ भी किसी तरीके से भी इस प्लेन पे हमने ये लगा दिया है, ठीक है, टेक्सचर। अब हमें ये रेफरेंस एक तरीके से मिल गया कि हमें कैसे कैसे ये ड्रॉ करना है। हमने अब लाइन में जाना है, स्प्लाइन में लाइन, एंड लाइन से अब हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वर्टेक्स हम ले लेंगे, और ये हमने क्लोज किया। अब इसके ऊपर हम इसको एज इट इज़ ये देखिए, ठीक है, इसको हम बेजियर कॉर्नर कर लेंगे, और इसको अब हम इसी की शेप देना स्टार्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इस स्प्लाइन को स्मूथ करना चाहते हैं इसके लिए हम इंटरपोलेशन में जाके इसको एडेप्टिव कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है यहाँ से। इसको आप इसकी शेप दे दीजिए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है ये प्रोसेस, बट रिज़ल्ट अच्छा आता है इसका। और हाँ, दूसरा ये तो हमने, चलो हमने नेट से लिया है, ठीक है। कई बार जो आर्किटेक्ट होते हैं वहाँ से हमें इसकी कैड फाइल भी मिलती है। वो काफ़ी इजी हो जाता है हमारे को बनाना, ठीक है। कैड फाइल में ये लाइनें हमारी बनी रहती हैं। उसको हमने, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अभी आगे करना है, आप उसमें जान लेंगे। अभी मैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा, थोड़ा जल्दी समझाने के लिए इसको हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लेंगे, इसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्प्लाइन है इसको स्केल कर लेते हैं यहाँ से। अब हम सेकंड नंबर का बनाएंगे, ठीक है, कंटूर। सेकंड नंबर को इसको हम फिर एडजस्ट करेंगे इसके हिसाब से, और अगर आपको लगता है कहीं पे ऐड करना चाहिए वर्टेक्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड वाला भी बनाएंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमने कर लिया है, स्प्लाइन को सिलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं स्केल, और अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। गाइज, हमारे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 कंटूर हमने बना लिए। फिलहाल हमें इन चारों को ही यूज़ करके करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बनाने में। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये पूरे भी बना सकते हैं, और फिलहाल इन चारों को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो ये सब एक ही लाइन में, ठीक है, इनको हाइट नहीं दी है। इसको हम हाइट दे देते हैं, ठीक है। हाइट देने के लिए हम इनको एक अपने अंदाज के हिसाब से दे देते हैं। इसको हम देते हैं, और इसको दे देंगे हम 1 फीट, और इसके ऊपर वाले को दे देते हैं हम 0.5 फीट, आधा इन द फुट, और इसको भी कर देते हैं 0.5, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, ये आपका देखो सेलेक्ट। अब आप इसको फ्रंट से देखोगे, ठीक है, ये आपको दिख रहा है लेवल, ये सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, एंड देन लास्ट वाला, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, एंड देन वी गो टू
यहाँ से हम जाएंगे ज्योमेट्री में और यहाँ से हमने कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है एंड देन वी सेलेक्ट आर टेराइन। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं टेराइन करके है, सो इसको हमने सेलेक्ट करना है और ये आप देखो सेलेक्ट करते ही ये शेप इसने ले लिया। इसके बाद हमने पिक, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से पिक ऑपरेंड, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और आपने पिक करते जाना है, ठीक है, जो जो आप लेना चाहते हैं। वेल, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि शेप आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। सो इसमें इसको ठीक करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं टर्बो स्मूथ, ठीक है, टर्बो स्मूथ हम यूज़ करेंगे, ये देखिए शेप, ठीक है, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। सो ये हमारा बन गया है टेराइन, ठीक है। अब हम इसमें टेक्सचर वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो इसमें हम टेक्सचर ऐड करने के लिए एम प्रेस करेंगे और कोई रेडीमेड ग्रास हम इसमें डाल देते हैं। वीरे मटेरियल, वीरे 5 के साथ मटेरियल्स आते हैं, सो यही हम अप्लाई कर लेते हैं इसमें से। ये वाली ग्रास हम लगा देते हैं ऐड टू सीन और इसको हम कर देते हैं अप्लाई और इसमें हम डाल देते हैं UVW मैप। इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से असाइन, हाँ ओके। इसके बाद इसको मैपिंग थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ओके। सो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारा जो टेराइन है वो बनके तैयार है। सो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा किस तरीके से हम टेराइन बनाते हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर टेराइन में कुछ मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं, सो कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं बनने के बाद, सो मैं बता देता हूँ किस तरीके से। सो टेराइन में आपने सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेंड्स हमारे आ रहे 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो हमने स्प्लाइन से बनाए थे। सो जैसे लाइन 1 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लाइन का वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन तीनों दिखा देगा। सो स्प्लाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऐसे और इसके बाद इसको हम नीचे कर सकते हैं, देखिए शेप अगर हम इसकी नीचे इसको करेंगे तो ये देखिए इस तरीके का इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको चाहे तो हम ऊपर भी कर सकते हैं और इसी तरीके से इसको अंडू कर लेते हैं और इसी तरीके से हम करते हैं अब सेकेंड वाला, ठीक है, स्प्लाइन जो है इसको, इसका हम स्प्लाइन सेलेक्ट करते हैं और अभी देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। सो इसमें मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं इस तरीके से एंड थर्ड नंबर का भी करके देख लेते हैं एक बार, ये देखिए, वाह, ये काफ़ी अच्छा आ गया, टोपी टाइप की कैप बन गई है, हैट, ठीक है, इस तरीके से भी इसको, तो मॉडिफिकेशन हल्का फुल्का इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद मैंने कोरोना स्कैटर की मदद से इसमें ये वाला जो आप देख सकते हैं प्लांट, ठीक है, सो बुश टाइप का छोटा सा, सो इसको मैंने इसमें स्कैटर कर दिया है। वेल, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा किस तरीके से हम स्कैटर करते हैं। वेल, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख सके और उनको भी कोई नॉलेज मिल सके। सो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।